My name is Chidran Mola. I read in class 3. Today I am going to tell you a story, a beautiful story. The story name is The Nina and the Baby Sparrow. Let's start. There was great joy in Nina's house. मतलब नीना के हाउस में सब लोग बहुत खुश थे. नीना's aunt was getting married. क्योंकि जो नीना की जो aunt है वो उनकी शादी हो रही थी, इस वजह से सब लोग बहुत खुश थे. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for the wedding. अब जो नीना है और उसके जो पापा और मम्मी और उसका जो छोटा भाई है सब मिलके जा रहे थे दिल्ली शादी के लिए. Everyone was happy. तो सब लोग बहुत खुश थे except Nina. सिर्फ नीना को छोड़ के सब लोग बहुत खुश थे. Here her mother took her to the market to buy a new dress. अब जो नीना की जो मम्मी है वो उसे ले जाती है बाजार, जिससे वो एक नया जो कपड़ा है वो खरीद सके. What color would you like? मदर आक्स, मदर पूछती है कि तुम्हें कौन से कलर पसंद है नीना. I don't want a new dress, mother. सेड नीना. अब नीना कहती कि मुझे कोई भी न्यू ड्रेस नहीं चाहिए मम्मी. मदर, सलवार कमीज दे, फिर सलवार कमीज ही ले लो. नीना सूखा रेड. नीना अपना सिर हिला देती है, उसे भी वो मना कर देती है. What about those lovely white shoes you saw last week? I don't. Thank you, mother. मतलब अब जो ये जो नीना की जो मम्मी है वो उससे पूछती है कि तुमने जो वो जो वाइट कलर के जो उतने लवली जो सुंदर जो शूज़ देखे थे उन क्या क्या ख्याल है, उन्हें ले लो. अब नीना जो है वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए मम्मी. थैंक यू मदर. नीनाज मदर वॉज अपसेट. अब नीना की जो मम्मी है वो दुखी हो जाती है. बट सी सेड नथिंग. लेकिन वो नीना को कुछ नहीं कहती है. They want back home and had lunch. और वो सब घर आते हैं वापस और लंच करते हैं. After lunch, मतलब लंच के बाद mother came and sat Nina. अब लंच के बाद जो नीना की जो मम्मी है वो नीना के पास जाके बैठती है. What it is child? ये क्या है बच्चे? She asked. वो पूछती है. Why did you say no to everything? तो क्या बात है जो तुम सारी चीजों को मना क्यों कर दे रही हो? Mother, I don't want to go to the wedding. मम्मी, मुझे जो वेडिंग है शादी जो है मुझे उसमें नहीं जाना है. But why? उस नीना की जो मम्मी है वो पूछती है लेकिन क्यों? नीना said nothing. नीना कुछ भी नहीं बोलती है. Instead, two big tears rolled down her cheeks. और उसके जो बजाय नीना के जो cheeks में मतलब गाल में दो बड़े बड़े से आंसू आ जाते हैं. Mother put her arm around Nina. अब नीना की जो मम्मी है वो उसे नीना को एक बड़ा सा एक हग देती है. Don't cry my pet, she said. वो कहती है कि मत रो मेरे बच्चे. Why don't you tell me what's bothering you? मतलब अब नीना की जो मम्मी है वो बोलते हैं कि मत रहो मेरे बच्चे, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना बॉदर कर रही है, मतलब परेशान कर रही है. More tear roll down Nina's cheek. अब नीना के चीक में और सारे बड़े बड़े से आंसू आ जाते हैं. Mother, she said. मतलब मदर कह के वो बोलती है कि there's a sparrow nest on the bookshelf in my room. अब नीना जो है वो उसकी मम्मी से कहती है कि जो स्पैरो का जो नेस्ट जो है मतलब घोंसला जो है वो मेरे बुकशेल्फ के जो रूम है, मेरे रूम में है वो जो बुकशेल्फ में जो उसका नीना का जो बुकशेल्फ है उसमें स्पैरो का नेस्ट रखा हुआ है. And there are two baby sparrow in the nest. अब जो नेस्ट है उसमें two मतलब दो baby sparrow भी है.
आई सी, सेड मदर. अब मदर कहती है अच्छा तो फिर ये बात है. देयर्स जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स, और उनके अभी बस पंखे आ रहे हैं. एंड ग्रोइंग अप मेक देम सो हंगरी. अब जब वो सब बड़े होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है. ऑल डे लॉन्ग दे क्राइड चिप 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 आस्किंग फॉर फूड. और वो सब जब उन्हें भूख लगती है तो सारे दिन बस वो क्या करते हैं, चिप 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 करके खाना मांगते रहते हैं. आई सी, सेड मदर. अब मदर कहते हैं अच्छा तो फिर ये बात है. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama Sparrow feed their babies? नीना कहती है कि अगर हम लोग कहीं बाहर गए तो पूरा तो घर बंद करके जाएंगे. फिर कैसे जो मम्मी पापा और मम्मा जो स्पैरो है वो कैसे अपने बेबीज को कैसे फीड करेंगे. ओह नीना, क्राइड मदर. अब ओ नीना करके उसकी जो नीना की जो मम्मी है वो भी रोने लग जाती है. ये वो बिग हग, और उसे एक बड़ा सा हग करती है. इज दैट why यू डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. तो यह वजह है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहती. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वी विल लीव द विंडो ओपन. हम लोग जो तुम जो विंडो है वो खुला छोड़ देंगे. ओ ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली. मतलब नीना कहती कि मम्मी क्या हम लोग ये सच में करेंगे, क्या हम लोग ये सच में करेंगे. यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर आउटसाइड. नीना की जो मम्मी है वो कहती है कि हाँ हम लोग ऐसा करेंगे कि तुम लोग की तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकाल लेंगे और विंडो जो खुला ही छोड़ देंगे और बाहर से जो डोर है वो बाहर से लॉक कर देंगे. सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ. मतलब अब जो उसकी मम्मी कहती है कि अब जो ऐसा करेंगे तो हम लोग का जो घर है परफेक्टली सेफ रहेगा. एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू. और तब जो मम्मा और पापा जो स्पैरो है वो फ्रीली मतलब आराम से अंदर और बाहर जा पाएंगे. जस्ट थिंक नीना, मतलब सिर्फ सोचो नीना. वेयर यू इंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, मतलब तुम जब इंजॉय कर रही होगी शादी में बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट देयर नेस्ट. गुड आइडिया इज़न्ट इट. और अब जो उसकी मम्मी है वो कहती है कि जब तुम अपन मतलब वेडिंग में इंजॉय कर रही होगी तब वो जो बेबी जो ये अब ये कहती है कि हाँ ये बिल्कुल एक अच्छा आइडिया है. When Nina came back from the wedding, और जब नीना शादी से वापस आती है, there were the two plump little sparrows flying all over the room. अब जो बेबी जो स्पैरो है जब नीना घर में घुसती है फिर देखते हैं कि जो बेबी जो स्पैरो है वो उसके पूरे रूम में उड़ रहे होते हैं. एंड वॉज ए नीना थ्रिल्ड. और वो देख के ये नीना जो है वो बहुत मतलब सरप्राइज हो जाती है और आश्चर्य हो जाती है. रिटन बाय प्रतिभा नाथ. थैंक यू.